क्या नाम है आपका? सोमवती। पति का नाम? चरण सिंह। हाँ, चरण सिंह। चरण सिंह है पति का नाम। पिता का नाम? हर नारायण। क्या समस्या लेके आई है? पति शराब पीते हैं। हाँ, शराब पीते हैं पति। कब से पीते हैं शराब? कुछ दिन हो गए। हाँ, कुछ दिन हो गए। लगभग कितना समय हो गया? लगभग कितना समय हो गया? लगभग, हाँ, जब से हमारी शादी हुई है पियत बराबर रहे, अब ज्यादा पीने लगे। जब से शादी हुई तब से ज्यादा पीने लगे हैं पति आपके? हाँ। शराब? हाँ। अभी आपने कहाँ का दिखाया अभी तक? कहाँ का पूछा? कहाँ? एक दो जगह पूछा है। कहाँ का पूछा आपने? गाँव में। कि उन्होंने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। नहीं बताया, और कहीं तो नहीं दिखाया? पढ़िए, चरण सिंह की मदरा एवं शराब छूटेगी, छोड़ना पड़े वह छोड़ना पड़ेगा। यह कोई भूत बाधा नहीं है, गर्राट है, मस्ती है, शौक है। आपके वर्तमान में 5 पुत्री हैं। माइक से बोलो, कितनी लड़कियां आपके? 3 है, 2 खत्म हो गए। 5 वही थी। तो हमने क्या लिखा? आप लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे, हमने भी यही लिखा है। यदि स्क्रीन पर आप पढ़े होंगे, 5 पुत्री हैं, 2 मर गई हैं, 3 पुत्री वर्तमान में शेष हैं। लिखा साथ में वर्तमान में शेष 3 है। कृपा होगी, पुत्रत्न की प्राप्ति होगी। बच्चा नहीं, लड़का नहीं है आपको? है लड़का? नहीं है। वर्ष 2024 में मई में गर्भधान होगा और 2025 में पुत्रत्न की प्राप्ति होगी। पंडोकर धाम अमावस्या और नियम से पति सहयोग करेंगे तब, अन्यथा यह पर्चा किसी काम का नहीं है। नियम से पाठ जाप करेंगे, पति मेरी बात सुने और समझाना, वीडियो दिखाना ये, और तुम्हारे घर में बाधा नहीं रहेगी। कमल का पत्ता, कमल का, कमल गटे का पत्ता, कमल गटे का पत्ता जानते हो, जिसमें कमल होता है? तो कमल का पत्ते पर रोली, सिंदूर, चावल, कलावा और एक नारियल टीपना है, टीपना है हल्दी से, रोली से अक्षत लेना है, ब्रह्मदेव का स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना, भगवान विष्णु का स्मरण करना, और यह 41 दिन तक आप जहां एक बार आप करेंगे, जिस नदी में, जिस तालाब में, जिस कुआ के घाट पर, वहां एक बार करने के बाद अपने घर में कांसे की थाली में रोली, सिंदूर, चावल और ब्रह्मा और विष्णु और शिव का स्मरण करके अक्षत सपाड़ी उस थाली में छोड़ना है, जल भरी हुई थाली में। मैं गारंटी देता हूं कि जो हमने तारीख दी है उससे बिफोर जनवरी तब आएगी, तब आप गर्भवती हो जाएंगी 2024, ऐसा योग बनता है, आपको गर्भ धारण होगा, ऐसा मुझे अंतर्मन प्रेरणा मिल रही है। ये विधि जिन माताओं बहनों के बच्चे नहीं हैं, संतान के लिए रोते हैं, दुखित हैं, और जिनको भाग्य में होने के बाद भी नहीं है किसी कारणवश, उनके लिए ये उपचार है, ये विधि है। शेष जिनके द्वारा किसी कारण, यहां से कुछ ऐसे वर्ड नहीं बोलूंगा, नहीं हो रहे हैं, तो निराश नहीं होंगे, भगवत कृपा से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी और आपको संतान प्राप्त, सुख प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। विज्ञान के युग में बहुत सारी चीजें सहज हो गई हैं अब, और भगवत कृपा से ये आपका ऑप्शन बनेगा। ये उन लोगों के लिए है जो ये विधि करेंगे। यह विधि करने से 3 महीने के अंदर गर्भाधान, गर्भधारण हो जाता है, संतान की प्राप्ति का सुख का फल रूपी प्रमाण संसार को, परिजनों को दिखने लगता है। चलिए, ये विशेष से ये टोटका कर लेने से
ये विधि करने से कर लें। यदि इसमें एक मंत्र और जोड़ दिया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी 108 की माला करेंगे तो भगवत कृपा से भगवत स्वरूप अंश भी प्राप्त होने के योग रहते हैं। कोई दिव्य पुरुष, दिव्य बालक, दिव्य संतान की प्राप्ति होने के भी शुभ योग बनते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और ये करके देख लीजिएगा। अब 3 महीने बाद बताना आप लोग। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की।